हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आज अपने टेम्पो की रिपेयरिंग करवाने लाया हूँ अलवर गेट चौराहे पे सुंदर मिस्त्री के पास। तो गाइस, मेरे टेम्पो के गियर बक्से के अंदर गियर की दिक्कत आ रही थी, उसकी रिपेयरिंग करने लाए। चलते हैं गाइस, रिपेयरिंग करवाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे टेम्पो के गियर बक्से को नीचे उतार लिया है और उसका गियर बक्से को खोल लिया है। तो गाइस देखिए, ये पड़ी है हमारी क्लच प्लेट है, ये गियर चेंजर और ये क्लच कटोरा। तो गाइस ये देखिए, क्लच कटोरा है, इसकी रिप ढीली हो गई है और कटोरा भी थोड़ा क्रैक हो रहा है, तो इसको चेंज करेंगे। ये क्लच कटोरा। तो गाइस ये देखिए, ये गियर बक्से की गिरा रिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखिए हमारे गियर बॉक्स की गिरारी, जो मेन काउंटर सॉकेट है, कितना फ्रेश है। ये हमारी क्लच प्लेट है, ये गियर चेंजर है, ये इसमें प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से हमारा 3 नंबर और 4 नंबर गियर छटक रहा था। तो गाइस, ये हमारे गियर बॉक्स के अंदर से जो ऑयल निकला, जो ये है, और ये गाइस देखिए, गियर बॉक्सा नीचे उतार लिया गया है और इसके पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। अब इसके अंदर चेक करेंगे हम पार्ट्स को कि भाई कौन सा पार्ट्स में दिक्कत है। तो ये मैं चेक करता हूँ इसकी गियर गिरारी को। तो ये 4th नंबर गियर की गिरारी है। तो गाइस इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई बिल्कुल साफ है, दागी तो नहीं है। तो गाइस ये है 4th गियर की गिरारी, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे, बिल्कुल साफ है, कहीं से दागी नहीं है। हमारे 4th नंबर की गिरारी, अब हम उठाएंगे 3rd नंबर की गिरारी। 3rd नंबर की गिरारी को भी चेक ऐसे करेंगे जैसे 4th नंबर की गिरारी को की। ये भी बिल्कुल फ्रेश गिरारी लग रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम उठाएंगे 2nd नंबर की गिरारी। तो गाइस ये भी फर्स्ट नंबर की गिरारी है जो हमने उठाई है, 2nd नंबर की नीचे पड़ी है, ये भी फ्रेश है गाइस। ये हम 2nd नंबर की अब उठाएंगे। ये देखिए गाइस, ये 2nd नंबर की गिरारी हमने उठाई और सारी गिरारी हमारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है गिरारी में, कोई गिरारी दागी नहीं। ये है हमारा क्लच कटोरा जिसमें दिक्कत थी, इसकी रिप ढीली हो गई है गाइस, और ये क्लच कटोरा भी चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए गियर बक्से के सारे पार्ट्स हैं जो अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं। ये हमारा गियर बक्सा है जहाँ से गियर लगते हैं, ये गियर चेंजर है, यहाँ से गियर शिफ्ट कर किया जाता है। तो ये गाइस अतुल शक्ति BS4 का गियर बक्सा है। तो गाइस ये देखिए, हम गियर बक्से के लिए जो सामान लेता है, ये राजस्थान ऑटोमोबाइल्स नगर अलवर गेट से लेकर है। तो ये हमारा ऑयल, क्लच प्लेट, गियर वायर, और ये इसके सामान, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, ये सारे सामान हम लेके आए। तो गाइस इसमें इस तरीके से काउंटर सॉकेट बिठा के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर की गिरारी को गियर चेंजर के अंदर फिट किया जाता है और चेक किया जाता है कि गियर सही तरीके से आ रहे नहीं आ रहे। इसके साथ ही इसको साथ के अंदर चेक किया जाता है। ये हमारे मिस्त्री साहब जो अलवर गेट नगरा पे बहुत बढ़िया कार्य करते हैं गाड़ी का, बहुत अच्छी तरीके से। तो सभी भाइयों मिस्त्री साहब के पास जाए और अपनी गाड़ी का अच्छी तरीके से कार्य करवाए।